जाएंगे, बिकॉज कल से हमको हुंकारा और हलीम के बारे में बात करनी है। हुंकारा क्या है, हलीम क्या है, उसके बाद फिर हम सिंबल्स पे बात करेंगे, फिर उनको किस तरह से यूज करना है वो बात करेंगे, ठीक है। इसके बीच में आप लोगों को दो तीन चीजें और मैं बताना चाहूंगी। ये एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए, ये मैं आपको कल सबसे पहले वही चीज होगी, हुंकारा विद हलीम हो चाहे कोई भी अदर मोडेलिटी हो जिसमें गुरु शिष्य परंपरा है, जो गुरु से आपको दी जाती है सिंबॉलिक, जो भी आप सीखते हो यहाँ सीखें या कहीं भी सीखें, प्लीज 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 उसको अपने तक ही रखें, जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। सेकेंडली, टिल यू आर एलिजिबल टू टीच एनी अदर पर्सन, या फिर जब तक आपको परमिशन नहीं है किसी और को वो सिंबल्स बताने की। फाइन, दिस इज फॉर यू टू लर्न, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होते हैं प्लीज डोंट टीच इट एज वेल, ओके। तो ये चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लामा फेरा के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि कितना उनको डिस्क्लेमर्स दिए हैं मैंने, एंड दे नो हाउ टू मेक द सिंबल्स। अब जब आप लोग सिंबल्स बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और किस तरह से, कैसे, कहाँ कहाँ उन्हें यूज करना है वो भी मैं आपको सब डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी बात करनी है, तो द फोरम इज ओपन फॉर यू ऑल। आपके शेयरिंग की बात हुई थी। हाथ हाथ ऊपर करके प्लीज, कौन बोल रहा है नाम बताएं पहले, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी एवरीवन।